अब वो जमाना नहीं रहा जब हम किसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मोटी मोटी किताबें या फिर ज्ञानी लोगों के सहायता लेते थे। आज गूगल की मदद से हम किसी भी सवाल का जवाब सिर्फ चुटकियों में ढूंढ पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गूगल, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजिन है, उसे इतना सब कुछ कैसे पता होता है? शायद ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब गूगल के पास ना हो। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं गूगल के इस महाज्ञान के पीछे आखिर क्या राज है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दरअसल इंटरनेट पे आपको जो सैकड़ों वेबसाइट्स देखने को मिलती है, गूगल भी उसी तरह के एक वेबसाइट ही है। अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो तो आप इसी वेबसाइट के अंदर ही सर्च करते हैं। हम आपको बता दें कि इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट्स हैं, वो सारे वेबसाइट्स गूगल के अंदर नहीं है। अगर हम आज कोई नई वेबसाइट बनाते हैं तो वो गूगल के अंदर लिस्टेड होने में कुछ दिन का समय ले लेता है। जब हम गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तब सर्च रिजल्ट्स में उन्हीं वेबसाइट को दिखाया जाता है जो पहले से गूगल के डेटाबेस में स्टोर्ड होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम गूगल में सर्च करें विराट कोहली लाइफस्टाइल, तो गूगल के एल्गोरिदम इस 3 वर्ड्स के सेंटेंस को 3 टुकड़ों में बांट देगा और इस 3 कीवर्ड्स को उसके पास मौजूद सारे वेबसाइट से मैच करके देखेगा कि कौन सी वेबसाइट पर ये सारे कीवर्ड्स मौजूद है। उन वेबसाइट में से जिसका रिलीवेंस ज्यादा है, जो सबसे अपडेटेड है और जहां पर सबसे ज्यादा लोगों ने विजिट किया है, उन वेबसाइट को सबसे ऊपर शो करेगा। चलिए इतना तो समझ में आ गया कि कुछ भी सर्च करने पर गूगल हमें उसका आंसर कैसे दिखाता है। लेकिन गूगल, जो खुद ही एक वेबसाइट है, वो बाकी सारे वेबसाइट्स के डेटा को कैसे अपनी डेटाबेस में स्टोर करता है? दरअसल इसके लिए गूगल यूज करता है एक सॉफ्टवेयर को जिसका नाम है वेब क्रॉलर्स। ये सॉफ्टवेयर पूरी इंटरनेट या फिर वेब में घूम कर सारे वेबसाइट्स के डेटा को कलेक्ट करके गूगल के डेटाबेस में जमा करता है। चलिए इसको थोड़ी आसानी से समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर इस वेब क्रॉलर सॉफ्टवेयर को हम एक स्पाइडर या फिर मकड़ी समझ लेते हैं। अब ये स्पाइडर गूगल के डेटाबेस में जितने भी वेबसाइट्स के यूआरएल पहले से मौजूद है, उन सारे यूआरएल के मदद से सारे वेबसाइट्स को विजिट करेगा। अब उन वेबसाइट्स को स्कैन करते समय उनके अंदर जितने दूसरी वेबसाइट्स के हाइपरलिंक मिलेगा, ये स्पाइडर उन हाइपरलिंक्स की मदद से उन सारी वेबसाइट्स को विजिट करेगा। अब इन नए वेबसाइट में स्पाइडर ये ढूंढेगा कि इनके अंदर भी कोई नई वेबसाइट की लिंक तो नहीं है। अगर है तो वो हाइपरलिंक की मदद से उन सारी वेबसाइट्स को भी विजिट कर लेगा और ऐसे करते करते ये पूरी इंटरनेट में घूमता रहेगा और नए नए वेबसाइट्स के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल अपने डेटाबेस में जमा करता रहेगा। अब ये मत समझ लेना कि सिर्फ एक स्पाइडर इतना सारा काम करता है। इसके लिए गूगल ने कई लाखों स्पाइडर्स को इंटरनेट पे छोड़ रखा है। तो गूगल इतने सारे डेटा कैसे कलेक्ट करता है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन आखिर इतने सारे डेटा गूगल रखता कहाँ पर है? इसके लिए गूगल के पास बहुत बड़ी सर्वर है जिसका स्टोरेज कैपेसिटी करीब 10 एक्साबाइट यानी कि 10 मिलियन टेराबाइट है। हालांकि इनका कैपेसिटी दिन ब दिन बढ़ रहा है क्योंकि रोज सैकड़ों नए डेटा गूगल के डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। तो एक बात तो तय है कि गूगल इस इंटरनेट की दुनिया की किंग है। इन्होंने बड़े ही चालाकी से ऐसे एल्गोरिदम या फिर सिस्टम डेवलप किया है जिनका मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल है। अब गूगल सिर्फ आपके सवाल का जवाब देने तक ही सीमित नहीं है। इन्होंने अब गूगल मेल, गूगल प्लस, गूगल पे, गूगल ड्राइव, गूगल अर्थ, गूगल डॉक्स, गूगल डुओ और भी कई सारे सर्विसेज को चालू किया है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर लगा है तो एक लाइक करना तो बनता है।